हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों में से बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे सीक्वल का इंटरव्यू क्वेश्चंस डालना चाहिए, तो आई हैव प्लान्ड कि मैं आपके सामने कुछ सीक्वल के इंटरव्यू क्वेश्चंस लेके आऊँगा। और स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू शो यू सम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। सो आज का वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। मुझे एक गूगल का इंटरव्यू क्वेश्चन मिला है और आज के वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। इससे दो फ़ायदा होगा। पहला, आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि गूगल जैसी कंपनीज़ में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दूसरा, थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसे रहना चाहिए, वो आपको थोड़ा समझ में आएगा। एंड मैं प्लान कर रहा हूँ कि फ्यूचर में आई विल डू मोर सच वीडियोज़। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, लेट मी फर्स्ट शो यू द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखाने के पहले आई विल शो यू द सेटअप। तो हमारे पास दो टेबल्स हैं। द फर्स्ट वन इज सेशन एंड द सेकेंड वन इज सेशन ड्यूरेशन, ठीक है। सो यू कैन सी सेशन वाला जो टेबल है, इसमें चार कॉलम्स हैं, डेट, यूजर आईडी, सेशन आईडी एंड इवेंट, ठीक है। डेट मतलब किस दिन यूजर वेबसाइट पे आया, उसका यूजर आईडी क्या था। जितनी बार भी यूजर वेबसाइट पे आता है उसका एक सेशन आईडी जनरेट होता है। सो अगर मैं एक यूजर हूँ, अगर मैं चार बार जाऊंगा दिन भर में एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे, तो मेरा चार अलग सेशन आईडीज होंगे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज इवेंट, वेबसाइट पे जाके आपने क्या किया। सो यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है कि आपके यूजर्स रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब इफ आई एम अ यूजर, मेरा यूजर आईडी इज वन, आई कैन गो टू द सेम वेबसाइट मल्टीपल टाइम्स इन द सेम डे और इन मल्टीपल डेज, ठीक है। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है कि यूजर आईडी बार बार आ सकता है, सेशन आईडी यूनिक होगा, एक ही यूजर बार बार आने पे भी सेशन आईडी चेंज होता रहेगा। और उसके बाद एक सेशन ड्यूरेशन बोल के एक टेबल दिया गया है, जहां पे तीन चीजें हैं, डेट, सेशन आईडी और ड्यूरेशन इन सेकेंड्स, कितने सेकेंड्स वेबसाइट पे रुका हमारा यूजर। तो यू कैन सी इन दोनों टेबल्स को आप ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग सेशन आईडी। यहाँ का सेशन आईडी को आप यहाँ से ज्वाइन करके ये पता कर सकते हो कि किसी भी पर्टिकुलर सेशन का ड्यूरेशन कितना था, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब सवाल आता है कि हमें करना क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपको एक हिस्टोग्राम बनाना है ऑफ एवरेज यूजर सेशन टाइम का। सो यहाँ पर देखो, बेसिकली आपका आउटपुट शुड लुक लाइक दिस, योर आउटपुट शुड लुक लाइक दिस, जहां पर आपको एक कॉलम में ब्रैकेट्स बनाने हैं। सो देर वुड बी थ्री कैटेगरीज और थ्री ब्रैकेट्स। द फर्स्ट वन इज लेस देन 10 सेकेंड्स वाले यूजर, सेकेंड कैटेगरी इज 11 टू 60 सेकेंड वाले यूजर्स एंड द थर्ड कैटेगरी इज ग्रेटर देन 60 सेकेंड्स वाले यूजर्स, ठीक है। अब यहां पर क्या आना चाहिए कि उस कैटेगरी में कितने यूजर्स हैं, ठीक है। जैसे यहां पर दिखा रहा है लेस देन 10 सेकेंड जिन यूजर्स का एवरेज सेशन टाइम था, वैसे कितने यूजर्स हैं, 23। 11 से 60 सेकेंड के बीच में कितने यूजर्स का एवरेज सेशन ड्यूरेशन था, 51, और ग्रेटर देन 60 कितने यूजर्स का था, 100, ठीक है। तो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ रहा है। इस तरह के हिस्टोग्राम वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं इन फैंग कंपनीज में, तो आपको इसका थोड़ा फ्लेवर देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब देखो, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपको लेवल बाय लेवल सॉल्व करने होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सीधे दिमाग चल जाएगा और आप तुरंत सोल्यूशन निकाल लोगे। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ऐसे प्रॉब्लम्स को आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। जैसे मुझे करना क्या है, मुझे तीन ब्रैकेट्स में पता करने हैं कि हर ब्रैकेट में कितने यूजर्स हैं, और वो ब्रैकेट क्या डिफाइन कर रहा है, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द सेशन, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मेरे जितने भी यूनिक यूजर्स हैं, मैं उन सब का एवरेज सेशन ड्यूरेशन निकालूंगा। मतलब हर यूजर का सेकेंड्स में एवरेज ड्यूरेशन निकालूंगा कि वो साइट पे कितने टाइम रुकते हैं, और फिर जैसे ही मेरे पास ये नंबर आ जाएगा हर यूजर के लिए, मैं उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर दूंगा, हिस्टोग्राम बना दूंगा, ठीक है। सो दैट्स द प्लान। अब यहाँ पर मल्टीपल चीजें हम यूज करने वाले हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए सीक्वल के बारे में। जैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको तीन चार सीक्वल कॉन्सेप्ट आने चाहिए, लाइक आपका सी टी क्या होता है, आपका ग्रुप बाय क्या होता है,
केस स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जॉइंस क्या होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इस क्वेश्चन में लगेंगे। ठीक है, तो मैंने एक काम किया है। सबसे पहले तो कि मैंने दो टेबल्स ऑलरेडी बना लिए हैं। ये रहा मेरा सेशन टेबल, इसमें मैंने खुद से डमी डेटा ऐड कर दिया। सो यू कैन सी वही चार कॉलम्स हैं और यहाँ पे डेटा है। अगर आप ध्यान से देखोगे वीडियो पॉज करके, तो यू वुड सी कि कुछ यूजर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि यूजर वन और यूजर टू रिपीट हो रहा है। ठीक है, डेट मैंने कन्वीनियंस के लिए सारा डेट सेम रखा है। आप चाहो तो अलग डेट भी रख सकते हो, डेट के ऊपर हमारा कुछ क्वेश्चन नहीं है। और सेकेंड है सेशन ड्यूरेशन, जहां पर जितने भी सेशंस आपको पिछले टेबल में दिख रहे हैं, हर का ड्यूरेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो अब हमारा जो मेन टारगेट है सबसे पहले वो ये है कि हम ये निकालना चाहते हैं कि जितने भी यूजर्स हैं मेरे पास, उनका एवरेज सेशन ड्यूरेशन कितना है। ठीक है, जैसे कि अगर ये वन की बात करो, तो वन और ये वन, मतलब ये दो बार वेबसाइट पे आया है, तो दोनों बार इसने कुछ टाइम स्पेंड किया होगा। मैं उन दोनों को ऐड करूंगा, टू से डिवाइड करूंगा, मुझे मेरा एवरेज सेशन ड्यूरेशन मिल जाएगा। और ऐसा मुझे हर यूजर के लिए करना है। दिस इज माई गोल नंबर वन। तो ये वाला सीक्वल क्वेरी थोड़ा ईजी है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको ज्वाइन करना पड़ेगा दोनों टेबल्स को। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ आप ज्वाइन कैसे करोगे। यू वुड राइट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेशन, जो मेरा फर्स्ट टेबल है, लेट्स कॉल इट P1, ज्वाइन सेशन ड्यूरेशन लेट्स कॉल इट P2, ऑन क्राइटेरिया क्या होगा, दोनों में सेशन आईडी सेम है, सो आई वुड राइट P1 डॉट सेशन आईडी इक्वल टू T2 डॉट सेशन आईडी। ठीक है, और मैं जैसे ही ये क्वेरी को रन करूंगा, एक बार इसको कॉपी कर ले रहा हूं मैं, यू वुड सी कि ज्वाइन हो गया। अब मेरे पास हर सेशन, हर यूजर के हर सेशन का ड्यूरेशन है। अब बस मुझे क्या करना है, मुझे यूजर के बेसिस पे ग्रुप बाय करना है और एवरेज एग्रीगेट फंक्शन चला देना है ऑन टॉप ऑफ ड्यूरेशन। सो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड गो बैक एंड आई वुड राइट सेलेक्ट ऑल, इनफैक्ट सेलेक्ट मुझे चाहिए है यूजर आईडी जो कि T1 में है, और मुझे चाहिए है एवरेज ऑफ T2 डॉट ड्यूरेशन। ठीक है, फ्रॉम दिस ऑन दिस ग्रुप बाय ऑन टॉप ऑफ T1 डॉट यूजर आईडी। ठीक है, इस कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड यू कैन सी गाइस, जो मेरे सारे यूनिक यूजर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, सबका मैंने एवरेज सेशन ड्यूरेशन निकाल लिया है। अब बस मुझे क्या करना है, इन सबको उठा करके ब्रैकेट्स में डालना है। देर आर थ्री ब्रैकेट्स, लेस देन 10 सेकेंड्स, 11 to 60 सेकेंड्स, ग्रेटर देन 60 सेकेंड्स। तो मुझे क्या करना है, इन सबको एक एक ब्रैकेट में डालना है। सो यहां पर अब मुझे यूज करना पड़ेगा CTE, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। सो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड राइट विथ लेट्स कॉल दिस टेम्पररी टेबल टेम्प एज, इस पूरे को मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं। और यहां पे आके मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट यूजर आईडी कॉमा ड्यूरेशन एक्चुअली इसको हम लिख सकते हैं एज ड्यूरेशन। सो यूजर आईडी ड्यूरेशन कॉमा केस व्हेन ड्यूरेशन इज लेस देन 10, 10 हमारा जो कैटेगरी फॉर्म होगा वो होगा लेस देन 10 वाला, व्हेन ड्यूरेशन इज बिटवीन 10 एंड 60 देन
इट वुड बी 10 to 60 एल्स ग्रेटर देन 60 एंड एज इस कॉलम को हम बुलाएंगे कैटेगरी फ्रॉम टेम्प. ये जो टेबल हमने फॉर्म किया था उसके ऊपर हम ये पूरा सेलेक्ट क्वेरी रन कर रहे हैं. ठीक है, सो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको रन करते हैं. एंड यू कैन सी सामने सामने आपको दिख रहा होगा कि हर का ड्यूरेशन है और उसको हमने कैटेगरी में डाला है. तो 10.5 1060 कैटेगरी में, 22 41 18 6 लेस देन 10 वाला कैटेगरी में, और 120 ग्रेटर देन 60 वाला कैटेगरी में. सो यहाँ तक सब कुछ सही है. अब बस हमें एक लास्ट स्टेप करना है कि हमें एक हिस्टोग्राम बनाना है. बेसिकली हर कैटेगरी कितनी बार डेटा में है वो हमें बताना है. जैसे कि ये 1060 जो है ये 5 बार है, लेस देन 10 एक बार है, और ग्रेटर देन 60 भी एक बार है. तो हमें एक हिस्टोग्राम बनाना है, फ्रीक्वेंसी चार्ट बनाना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरी क्वेरी को पेस्ट करेंगे और हम एक और चेन सीटी लिखेंगे. सो वी वुड राइट कॉमा, एक दूसरा टेबल फॉर्म होगा temp1 एज, और उसके अंदर हम ये पूरी चीज को डाल देंगे लाइक दिस लाइक दिस. ठीक है, और अब मैं बस आपको यहां पे दिखा रहा हूं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम temp1 लिखने पे क्या आएगा. ठीक है, सो ये मेरा दूसरा टेबल फॉर्म हुआ temp1. बेसिकली आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, लेट मी शो इट टू यू. सो मैंने गो पे क्लिक किया, ये देखो सेम ही रिजल्ट मिल रहा है. अब बस मुझे क्या करना है, ये जो नया टेबल फॉर्म हुआ temp1, इसमें मुझे फ्रीक्वेंसी काउंट करना है. सो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड राइट दिस, आई वुड राइट सेलेक्ट कैटेगरी कैटेगरी कॉमा काउंट ऑफ यूजर भी लिख सकते हैं, कैटेगरी भी लिख सकते हैं, फ्रॉम temp1 जो मेरा सेकेंड टेबल है, और उसमें मैं ग्रुप बाय कर रहा हूं ऑन टॉप ऑफ कैटेगरी. दिस इज द कोड, लेट्स रन दिस. और ये रहा गाइज आपका आउटपुट, लेस देन 10 एक यूजर है, ग्रेटर देन 60 भी एक यूजर है, 10 और 60 के बीच में आपके 5 यूजर्स हैं. ठीक है, सो अब इससे आप बहुत क्लियरली अपना हिस्टोग्राम बना सकते हो, या बोल सकते हो दिस इज द हिस्टोग्राम. सीक्वल में आप ग्राफ्स प्लॉट नहीं कर सकते. सो दिस इज द आंसर. आई होप आपको ये पूरा का पूरा आंसर समझ में आया. दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस. आई होप आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया और उसका सॉल्यूशन भी समझ में आ गया. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और फ्यूचर में आप कौन सी कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चंस देखना चाहते हो वो कमेंट में बताना. ठीक है, सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय.